नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। आखिर G20 है क्या और यह सम्मेलन क्यों जरूरी होता है? अगर देखा जाए दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सहयोग करने के लिए एक प्रमुख मंच है और यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों का वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर देखा जाए दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अगर देखा जाए G20 की स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 की राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, बाद में उसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। अगर देखा जाए G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा के एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, जो G20 के सदस्य हैं, ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी होती है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UNO हो गया, IMF हो गया और आपका WHO हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आसियान संगठन हो गए, ये सारे चीज़ इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। अगर देखा जाए इसकी जो कार्यशैली है, G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में दो समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करता है। शेरपा पक्ष की ओर से G20 की प्रक्रिया समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के लिए निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। और ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करती हैं और शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय भी करते हैं। अगर देखा जाए, इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 के नागरिक समाजों और सांसदों, विचार मंचों और महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। अगर देखा जाए, इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइके द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइको में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होने वाले थे, लेकिन आज इसका आयोजन भारत में भी हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी G20 के बारे में। G20 काफ़ी ज़्यादा एक देशों के लिए आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं G20 की अहमियत क्या है, तो इसके उद्देश्य से G20 सम्मेलन किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो पर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।